हेलो गाइस, दिस इज़ वरुण एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्यूरियस व्हील्स। दोस्तों, आज मैं लेकर आपके लिए टाटा की ऑल न्यू कार टाटा अल्ट्रोस, और मेरे पीछे देख रहे हैं आप ये कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कार के हर एक डिटेल की और प्राइसेस के साथ। मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स मिल सके। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ताकि आप रहें मेरी तरह ऑटो वर्ल्ड से अपडेट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइज, आज मैं हूँ श्रीवासु ऑटोमोबाइल लिमिटेड दिल्ली रोड मेरठ में। श्रीवासु ऑटोमोबाइल्स पे टाटा की अल्ट्रोस एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। सो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इस कार को परचेज करना या करना चाहते हैं कार की टेस्ट ड्राइव, तो आप डीलरशिप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीलरशिप की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज, ये आप देख रहे हैं टाटा अल्ट्रोस और ये है एग्जेड वेरियंट। दोस्तों, बात करते हैं टाटा अल्ट्रोस की, तो टाटा अल्ट्रोस टाटा की न्यूली डिज़ाइन एक हैचबैक है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाटा अल्ट्रोस के प्लेटफॉर्म की, तो टाटा अल्ट्रोस बनी है टाटा के एल्फार प्लेटफॉर्म पे, जो कि न्यूली डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है टाटा का। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कार के कुछ हाइलाइट्स की और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स ऑफर करती है टाटा अल्ट्रोस। तो दोस्तों, आपको मिलता है कार में ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, टाटा स्मार्ट की बैंड, साथ ही मिलते हैं आपको एम्बिएंट लाइटिंग और कूल ग्लव बॉक्स जैसे स्मार्ट कन्वीनियंट फीचर्स। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कार के स्पेसिफिकेशन से। दोस्तों, ये कार अवेलेबल है डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स में, आपको दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल है टाटा अल्ट्रोस। और अब बात करते हैं कार के पेट्रोल इंजन की, तो आपको मिलता है कार में 1.2 लीटर 1199 सीसी थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 86 पीएस पावर और देता है 113 एनएम का टॉर्क, और आता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कार के डीजल इंजन ऑप्शन की, तो आपको आता है कार में 1.5 लीटर 1497 सीसी टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 90 पीएस की पावर और देता है 200 एनएम का टॉर्क, और ये इंजन भी आता है आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। आपको कार में अभी टाटा ने कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया है। और दोस्तों, दोनों ही इंजन ऑप्शन आपको BS6 कंप्लाइंट के साथ मिलते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कार के प्राइजेस की, तो टाटा अल्ट्रोस की पेट्रोल की रेंज स्टार्ट होती है 6.08 लाख से, जाती है 8.85 लाख तक। वहीं डीजल की रेंज स्टार्ट होती है 8.08 लाख से, जाती है 10.85 लाख तक। और दोस्तों, कार के ऑन रोड प्राइजेस की कंफर्मेशन के लिए आप एक बार डीलरशिप से कॉन्टैक्ट जरूर कर लें। डीलरशिप की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कार के रिव्यू को और बात करते हैं कार के फ्रंट से। दोस्तों, आपको मिलता है कार में ऑटो हेडलैम्प, साथ ही मिलते हैं आपको डुअल बैरल प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और ये आप देख रहे हैं हेलोजन फॉग लैम्प्स, साथ ही में मिलते हैं आपको LED DRLs। और दोस्तों, बात करते हैं कार की फ्रंट ग्रिल की, तो आपको शार्प एजेस के साथ मिलती है पियानो ब्लैक फिनिश फ्रंट ग्रिल पे, साथ ही मिलते हैं आपको ये क्रोम लाइनिंग, जो कि कार के फ्रंट लुक को काफ़ी अग्रेसिव बनाती है। और दोस्तों, बात करते हैं कार की डायमेंशंस की, तो कार की लेंथ मिलती है 3990 mm, कार की विड्थ मिलती है 1755 mm, कार की हाइट मिलती है 1523 mm। और दोस्तों, हम बात करते हैं कार के टायर साइजेस की। दोस्तों, आपको मिलता है कार में 195x55 R16 के टायर साइज, और साथ ही में मिलता है आपको डायमंड कट अलॉयस। और दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कार के डायमंड कट अलॉयस, जो कि कार के लुक को काफ़ी इनहेंस करते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं कार के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको मिलता है कार में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और ये आप देख रहे हैं कार की साइड प्रोफाइल। कार फ्रंट और साइड से काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन है। और दोस्तों, बात करते हैं कार के साइड स्टाइलिंग फीचर्स की, तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है विंडोज़ के नीचे, ये पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी अग्रेसिव लगती है। साथ ही में बात करते हैं कार के और VMs की, तो आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिलते हैं, साथ ही में मिलता है वाइट कलर में पियानो ब्लैक फिनिश में ORVMs। और दोस्तों, बात करते हैं कार के यूनिक फीचर की, तो आपको कार में रियर डोर के जो डोर हैंडल्स हैं वो मिलते हैं आपको ऊपर ग्लास के पास, और ये देख रहे हैं आप कार की साइड प्रोफाइल। दोस्तों, बात करते हैं कार की सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको मिलता है कार में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद DVD, रिवर्स पार्किंग असिस्ट जैसे स्मार्ट एंड सेफ्टी फीचर्स, जो कि आपकी ड्राइविंग को बनाते हैं सेफ एंड स्मार्ट। और दोस्तों, बात करते हैं कार की की की, सो गाइस, टाटा ऑफर करता है अपनी अल्ट्रोस में स्मार्ट की, और ये आप देख रहे हैं कार की स्मार्ट की। दोस्तों, बात करते हैं कार की की, तो आपको मिलता है कार में लॉक अनलॉक लाइट, और साथ ही मिलता है टेल गेट ओपनिंग का स्विच, और आपको मिलती है टाटा अल्ट्रोस में स्मार्ट की लेस बैंड, और ये आपको काफ़ी स्मार्ट फीचर मिलता है कार में। तो अगर आपके पास कार की नहीं है और आपके पास बैंड है, तो उसी बैंड से आप कार को ऑपरेट कर सकते हैं, और जैसे ही आप अनलॉक करते हैं वैसे ही इसके ORVMs ओपन हो जाते हैं।
और दोस्तों ये आप देख रहे हैं कार का इंटीरियर, डोल्टोन इंटीरियर मिलते हैं आपको टाटा अल्ट्रोज में। आप देख सकते हैं कार के इंटीरियर। अब दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो आपको इंटीरियर में मिलता है 90 डिग्री के डोर्स ओपनिंग, जो कि कार के इन एंड आउट को काफ़ी ईजी बना देता है। और अब बात करते हैं कार की सीट कम्फर्ट की। तो ये आप देख रहे हैं कार की सीट्स, फैब्रिक सीट्स मिलती हैं आपको। दोस्तों बात करते हैं कार की सीट एडजस्टमेंट की। तो आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिलते हैं, और ये आप देख रहे हैं सीट हाइट एडजस्टमेंट का लीवर। और दोस्तों बात करते हैं कार के ड्राइवर साइड डोर की। तो डुअल टोन में मिलता है आपको ड्राइवर साइड डोर, साथ ही मिलता है आपको आर्मरेस्ट डोर पे, जो कि फैब्रिक फिनिश्ड है। ये आप देख रहे हैं स्टोरेज स्पेसिस। और आपको मिलता है कार में 6 स्पीकर्स का हरमन कफ म्यूजिक सिस्टम। और दोस्तों बात करते हैं कार के स्टेयरिंग व्हील की। तो आप देख रहे हैं न्यूली डिज़ाइन टाटा का स्टेयरिंग व्हील। और दोस्तों राइट साइड में मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल्स, और लेफ्ट साइड में मिलते हैं आपको ऑडियो के कंट्रोल्स, और साथ ही मिलता है आपको लेदर वाप स्टेयरिंग व्हील। और दोस्तों कार के डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मिलता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, साथ ही मिलता है आपको लाइट के कंट्रोल। और ये आप देख रहे हैं कार के एसी वेंट्स, सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है कार के एसी वेंट्स पे। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं कार के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कार के डैशबोर्ड को। और ये आप देख रहे हैं कार का डैशबोर्ड, डुअल टोन डैशबोर्ड मिलता है, साथ ही में सिल्वर फिनिश काफ़ी अच्छी लगती है कार के इंटीरियर में। और दोस्तों बात करते हैं कार के इंटीरियर के फीचर की। तो आपको मिलती है कार में एम्बियंट लाइटिंग। और दोस्तों ये ब्लू कलर की लाइट कार के इंटीरियर को काफ़ी इनहेंस करती है। और ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइट। और दोस्तों अब बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट पैनल की। तो अब पहले ऑन करते हैं कार को, और जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं फुल स्वाइप इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है आपको। और ये आप देख रहे हैं कार में 7 इंचेस की कलर TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट पैनल में, काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है कार में। और ये आप देख रहे हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल, और ये शो करता है आपको एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप ए ट्रिप बी, टोटल डिस्टेंस, इंजन रनिंग टाइम, साथ ही में पावर टॉर्क के गॉजेस। और लेफ्ट साइड में मिलता है आपको RPM मीटर, राइट साइड में मिलता है आपको स्पीडोमीटर, साथ ही में मिलता है आपको मल्टी ड्राइविंग मोड्स। दोस्तों बात करते हैं टॉगल्स की। तो राइट साइड में मिलता है आपको लाइट के टॉगल, लेफ्ट साइड में मिलता है आपको वाइपर के टॉगल, ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर्स के आपको ऑप्शन मिलते हैं कार में। और ये आप देख रहे हैं कार का डैशबोर्ड। दोस्तों कार में डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और कार की फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी बनाई है टाटा ने। और दोस्तों अब बात करते हैं कार के टच स्क्रीन की। तो आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि हरमन की साइड से है। और ये आप देख रहे हैं कार का टच स्क्रीन, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन मिलता है। और ये सपोर्ट करता है USB, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, GPS नेविगेशन जैसे फीचर्स। और साथ ही में मिलता है आपको रिवर्स पार्किंग की गाइडलाइन, ये आप देख रहे हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर कैमरा के साथ। कैमरा की क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिलती है। और दोस्तों अब बात करते हैं कार के सेंटर पैनल की। तो आप देख रहे हैं सेंटर पैनल, यहाँ पे मिलते हैं आपको सिल्वर फिनिश AC वेंट्स पे, साथ ही में नीचे मिलते हैं आपको ऑडियो के कंट्रोल्स। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है कार में। और यहाँ पर मिलते हैं आपको कुछ पोर्ट्स, USB और 12V का पावर सॉकेट, साथ ही में यहाँ पे मिलती है आपको कुछ स्टोरेज स्पेस, और यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। और ये आप देख रहे हैं कार का सेंटर पैनल, सेंटर कंसोल पे भी आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इको मोड, यहाँ से आप ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कार में कप होल्डर्स, और आपको मिलता है कार में सेंटर आर्मरेस्ट, फ्रंट में मिलता है आपको सेंटर आर्मरेस्ट। ये आपको डीप स्टोरेज के साथ नहीं मिलता है, आपको बहुत ही कम स्टोरेज स्पेस मिलता है सेंटर आर्मरेस्ट में। और ये देख रहे हैं आप कार का सेंटर कंसोल। दोस्तों बात करते हैं कार के स्टोरेज स्पेसेस की। तो आपको कार में सभी डोर्स में काफ़ी अच्छा स्पेस स्टोरेज मिलता है, आपको दोनों ही डोर्स में बोतल स्टोरेज मिलती है। और दोस्तों अब बात करते हैं कार के ग्लव बॉक्स की। और ये आप देख रहे हैं कार का ग्लव बॉक्स, कार का ग्लव बॉक्स काफ़ी मैसिव स्टोरेज के साथ मिलता है, साथ ही में मिलती है आपको ऊपर लैपटॉप ट्रे। और दोस्तों बात करते हैं इस ग्लव बॉक्स की। तो आपको लाइट और कूलिंग फीचर के साथ आता है टाटा अल्ट्रोज का ग्लव बॉक्स। तो गाइस टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है कार की यूटिलिटी और स्टोरेज स्पेसिस को लेकर के, और कार की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको टाटा की ये न्यू अल्ट्रोज। और बात करते हैं कार के सनशेड्स की। तो राइट साइड के सनशेड पे मिलता है आपको टिकट होल्डर, और लेफ्ट साइड के सनशेड पे मिलता है आपको वैनिटी मिरर, और मैनुअल IRVM मिलता है आपको कार में। और ये आप देख रहे हैं LED इंटीरियर लाइट, LED कैबिन लाइट मिलती है कार में। और दोस्तों हम बात करते हैं कार के कुछ और टेक्नोलॉजी फीचर की। तो यहाँ पे मिलते हैं आपको टू ट्विटर्स, 4 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम मिलता है कार में। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं कार की रियर सीट की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं कार के रियर कैबिन को।
तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार में मिलता है आपको 90 डिग्री की डोर ओपनिंग, जिससे कार में इन एंड आउट काफ़ी इजी हो जाता है। और अब बात करते हैं कार के रियर साइड के डोर की। तो यहाँ पे मिलता है आपको डोर हैंडल, आपको नीचे डोर हैंडल नहीं मिलता है, यहाँ वर्टिकल शेप में मिलता है कार का डोर हैंडल। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं कार का रियर डोर, और ये आप देख रहे हैं कार की रियर सीट का स्पेस। दोस्तों अभी ड्राइवर साइड अपनी बिल्कुल लास्ट पोजिशन पर है, तो आप देख सकते हैं मिनिमम स्पेस कितना है कार में। और आपको मिलती है रियर सीट के पैसेंजर्स की कंफर्ट के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और साथ ही मिलता है आपको फोल्डेबल आर्मरेस्ट, सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है आपको कार में। और ये आप देख रहे हैं मिनिमम स्पेस कार की रियर सीट पे। और लेफ्ट साइड की सीट है नॉर्मल पोजीशन पे, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस मिलता है कार में। और यहाँ पर मिलता है आपको 12 वी का पावर सॉकेट, साथ ही मिलता है रियर पैसेंजर्स के लिए रियर एसी वेंट्स। और दोस्तों अब बात करते हैं कार के डैशबोर्ड की। तो ये आप देख रहे हैं रियर कैबिन से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। तो टाटा ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है कार को, और कार में इंटीरियर स्पेसेस और फीचर्स भी आपको फुली लोडेड मिलते हैं। सो गाइज अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इस कार को परचेज करना है, करना चाहते हैं कार की टेस्ट ड्राइव, तो आप डीलरशिप से कांटेक्ट ज़रूर करिए। और अगर आप लोग हैं मेरठ के आसपास से, तो आप श्रीवास्तव ऑटोमोबाइल्स पर विजिट कर सकते हैं। सो गाइज अब हम बात करते हैं कार की रियर प्रोफाइल को। तो ये आप देख रहे हैं कार का रियर लुक, फ्रंट की तरह रियर में भी आपको शार्प एजेस देखने को मिलती हैं, साथ ही में आपको डुअल टोन शेड में मिलता है कार का रियर टेल गेट। दोस्तों बात करते हैं कार के बूट स्पेस की। तो आपको 3-4-5 लीटर्स का मिलता है कार में बूट स्पेस, साथ ही में मिलती है आपको रियर पार्सल ट्रे। और ये आप देख रहे हैं कार का बूट स्पेस, काफ़ी डीप स्टोरेज के साथ मिलता है आपको रियर बूट। और दोस्तों हम बात करते हैं कार के स्पेयर व्हील की। तो आपको स्टील स्पेयर व्हील मिलता है कार में, और यहाँ पर मिलती है आपको स्पेयर व्हील की पोजिशनिंग। टूल किट आपको मिडल में ही मिल जाती है, स्पेयर व्हील के अंदर ही। तो गाइस टाटा ने कार में काफ़ी अच्छा काम किया है। और दोस्तों अब बात करते हैं कार के रियर के फीचर्स की। तो रियर में आपको सेफ्टी के लिए मिलते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर कैमरा के साथ, साथ ही में मिलता है आपको रियर फॉग लैम्प। और दोस्तों अब बात करते हैं आपको कार में रियर में मिलने वाले फीचर्स की। तो आपको मिलता है कार में रियर वाइपर विद वॉशर, साथ ही मिलता है आपको डिफोगर। सो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको टाटा की ये न्यू अल्ट्रोज। दोस्तों आने वाले टाइम में मैं अल्ट्रोज के बाकी सारे वेरिएंट्स की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, तो आप एक बार विजिट करके वो सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।